वो जहां उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट की शर्मनाक हार, आरजेडी कैंडिडेट अमर पासवान ने हासिल की बंपर जीत। बीजेपी का एकला चलो रे मिशन हुआ टाई टाई फिर, कामयाब रहा तेजस्वी यादव का भू माय समीकरण, मुकेश सहनी को अलग करने का बीजेपी को हुआ नुकसान, भूमिहार वोटरों ने बीजेपी नेताओं से लिया बदला, तेजस्वी यादव की राजनीति के सामने चारों खाने चित हुई बीजेपी। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की एकला चलो रे की नीति बोचहा में ध्वस्त हो गई। वहीं तेजस्वी यादव का भूमाय समीकरण पूरी तरह से कामयाब रहा है। बीजेपी पूरी तरह से अपने बनाए जाल में उलझ कर रह गई है। एक तरफ जेडीयू को किनारे करना तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी को सरकार से बाहर करना बीजेपी पर भारी पड़ गया। साथ ही चिराग पासवान के साथ हुई जो ज्यादती से भी पासवान समाज ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है। इधर बीजेपी की करारी हार के बाद मुकेश सहनी अपनी पार्टी की हार भूल गए हैं। मुकेश सहनी लड्डू बांटकर बीजेपी की हार का जश्न मना रहे हैं। वहीं बोचहा उपचुनाव के नतीजे के बाद हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एनडीए में एक प्रयोग किया था जो गलत साबित हो गया। समझता हूं कि जब भाजपा ने गलती की थी, भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर का स्वामी, और जाहिर तौर पर उनके बेटा को उनको एक टिकट देना चाहिए था और उन्होंने न देख करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया, तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था और इससे भाजपा को सीख लेनी चाहिए। लगता है कि सर यहाँ से एक नई शुरुआत है, एनडीए को बड़ा झटका है? नहीं, एनडीए को कोई झटका नहीं है, एनडीए स्टेबल है, एनडीए को बहुमत है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा से गलती हुई? भाजपा से गलती हुई, निश्चित गलती हुई है, टिकट देने में गलती हुई है। वहीं रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जनता का शुक्रिया अदा किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल शिक्षा के खिलाफ वोट पड़ा है। उन्होंने कहा कि डबल एनजीएन और अवसरवादी गठबंधन की हार हुई है। इधर बोचहा में जीत के बाद आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान को सर्टिफिकेट मिल चुका है। पिता मुसाफिर पासवान को याद कर अमर पासवान भावुक नजर आए। वहीं राजद कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उससे मुझे लगता है कि हम जो है से उस सीट को हारने वाले हैं, लेकिन इस हार से कोई जो है से फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार को कोई अंतर नहीं होना है, और उपचुनाव से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, सरकार अपनी स्थिति में रहती है। लेकिन मैं इतना तो कहूँगा कि बोचहा में पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा था, अपने सिंबल पर लड़ रहा था, और हम वहाँ के लोगों के बीच में हम अपने आप को समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं, अपने सिंबल को सही तरीके से स्थापित करने में विफल रहे हैं। उसको हम देखेंगे कि क्या क्या कारण रहा है, कौन से कारण रहे क्या, और जिसके कारण हम वहाँ विफल हुए हैं। इसके बाद में जो है राजद ने कहा है कि पूरी कैबिनेट। बोचहा में आरजेडी कैंडिडेट अमर पासवान ने शानदार जीत हासिल की है। अमर पासवान ने बीजेपी कैंडिडेट को 36,653 वोट के विशाल मार्जिन से मात दी है। राजद कैंडिडेट अमर पासवान ने 82,562 वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी को 45,909 वोट से संतोष करना पड़ा। साफ है कि ये हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है और बीजेपी के तमाम बड़बोले नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। वहीं आरजेडी ने भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत सामाजिक समीकरण तैयार कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।